बड़ी बात कि मुंबई से कुछ चिंताजनक तस्वीरें आ रही है। वो तस्वीरें हैं मुंबई के बांद्रा स्टेशन से, और वो जो तस्वीरें हैं उन तस्वीरों में मजदूर दिख रहे हैं, मजदूरों की भीड़ दिख रही है, वैसी ही भीड़ जैसी भीड़ हमने दिल्ली में देखी थी जब 28 और 29 मार्च को लॉकडाउन के ऐलान के 4 दिन बाद जब दिल्ली में हमने देखा था जो आनंद विहार बस अड्डा है वहां, और उस बस अड्डे से दिल्ली से यूपी बॉर्डर की तरफ, यूपी हाईवे पर, NH-24 पर जैसी भीड़ देखी थी, कुछ उसी तरह की भीड़ अभी मुंबई में बांद्रा स्टेशन पर मजदूरों की दिखी। ऐसी जानकारी मिली जो चैनल्स पर दिख रही है कि बहुत मजदूर बेकाबू होकर वहां पहुंचे, उनके सब्र का बांध टूटा और उनमें बेचैनी हुई कि अब हमें किसी भी ढंग से घर वापस जाना है। हालांकि जानकारी यह भी है कि पुलिस ने रोकने की कोशिश की, कुछ जगह थोड़ा बहुत बल प्रयोग भी किया गया होगा क्योंकि पुलिस लगातार उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी कि कोई ट्रेन नहीं है स्टेशन से, कोई भी ट्रेन बिहार यूपी या उनकी मंजिल की तरफ नहीं जाती है। लेकिन मजदूरों की भीड़ जुटना मुंबई के स्टेशन पर, आज जब लॉकडाउन का एक्सटेंशन हुआ है 3 तारीख तक के लिए, 3 मई तक के लिए, उसी के एक्सटेंशन के ऐलान के 10 से लेकर 10-25 तक प्रधानमंत्री का भाषण, और उसके बाद अभी 1 घंटे पहले मजदूरों का इस तरह से उमड़ना, तो कहीं कोई रिश्ता है क्या? अगर हम कुछ लोगों के, नेताओं के बयानों पर अगर हम गौर करें, या सोशल मीडिया पर जो कहा जा रहा है, कुछ पॉलिटिशियन जो चैनल पर बोल रहे हैं, और या जो हम आकलन लगाएं कि मजदूरों को जब ये लगा कि अब ये एक्सटेंशन इसका 3 मई तक हो गया, मतलब अगले 17-18 दिन फिर से हमें उसी तरह से रहने पड़ेंगे, उसी तरह से मुंबई में जहां भी रह रहे हैं, जिस अव्यवस्था में रह रहे हैं, रोजी रोटी ठप है, किसी को खाना मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है, किसी को राशन मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा होगा, किसी को मोहल्ले में जो सरकारी इंतजाम BMC या सरकार की तरफ से है वो होगा, किसी के लिए नहीं होगा, ये इन तमाम बातों के बीच मजदूरों का मुंबई स्टेशन पर इस तरह से उमड़ना बहुत चिंताजनक है। ऐसी स्थिति में जब लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है, और ये दोनों जरूरी है, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ये जरूरी है कि लॉकडाउन का पालन हो, ये जरूरी है कि ये जो बीमारी है कोरोना, ये सामुदायिक संक्रमण का स्टेज 3 जो होता है उस स्टेज में ना पहुंचे जहां अभी तक नहीं पहुंचा है, और यही हमारे लिए सुकून की बात है कि वो इतने दिनों, 21 दिन का लॉकडाउन खत्म हुआ। एक बात मैं प्रधानमंत्री की मानूंगा जो उन्होंने कहा है कि 21 दिन के लॉकडाउन से इसका फायदा हुआ, वरना देश की जितनी बड़ी आबादी है, और अमेरिका में जैसे लोग रोज 2000 लोग मर रहे हैं, अगर लॉकडाउन नहीं होता और वैसे ही भीड़ यहां से वहां तक चल रही होती, ऐसे करोड़ों लोग ट्रेनों में सफर कर रहे होते, ऐसे सैकड़ों फ्लाइट से लोग जा रहे होते, तो वो उस बीमारी का आज अंजाम क्या होता है इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद लॉकडाउन के एक्सटेंशन के बाद आज मजदूरों का सब्र क्यों टूटा, उनके सब्र का पैमाना ऐसा क्यों टूटा कि वो मजदूर भागकर स्टेशन के पास पहुंचे, और हजारों की तादाद में जो तस्वीर है जो अलग अलग चैनलों पर दिख रही है। अब उसमें उसके पीछे जो राजनीति है वो बात करने से पहले, ये क्यों हुआ, ये चिंता हम सब लोग जता रहे हैं कि हम आप मध्यम वर्गीय लोग, या अच्छे घरों में जो लोग रह रहे हैं, या जिनको रोजी रोटी की समस्या नहीं है, जो राशन पानी का इंतजाम करके घर में लॉकडाउन का पालन आसानी से कर सकते हैं, उन लोगों की स्थिति, और जो मजदूर हैं जिनका जिनकी रोजी रोटी छिन चुकी है, जो कहीं फंसे हुए हैं, जो जिनकी कंपनी ने, अगर कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर थे, जो कॉन्ट्रैक्ट पे अगर मजदूर थे, उनको कंपनी ने एक तरह से उनके काम से बेदखल कर दिया है, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या है कि अब हम क्या करें, और उसके बाद कैसे हमारा आज का खाना चलेगा, कल का चलेगा, जो उनके पास जो भी थोड़ी बहुत बचत होगी। मजदूरों को जानते हैं कि रोज 300-400 रुपए रोज की दिहाड़ी करने वाले मजदूरों की क्या स्थिति होगी। लेकिन ये बेचैनी आज क्यों हुई, मेरा भी वही आकलन है कि जब मजदूरों को लगा, एक उम्मीद रही होगी कि हो सकता है 21 दिन के बाद थोड़ी राहत मिले, हो सकता है हम चले जाएं, चलो 21 दिन काट लिया। लेकिन अचानक जब ये बात आई कि अब 3 मई तक हुआ और लॉकडाउन में सख्ती भी होगी, लॉकडाउन का पालन करना भी पड़ेगा, तो उनके सब्र का पैमाना टूटा है। अब इस पर राजनीति दोनों पक्ष के लोग न करें, ये अभी सबसे बड़ी जरूरत है, और ये इसके लिए मैं कहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से हम जैसे लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि मजदूरों को भी
उनके भाषण से कुछ उनके लिए अपील होनी चाहिए, कुछ फैसले होने चाहिए, कुछ जानकारियां होनी चाहिए थी, कुछ ऐसे ऐसी बातों का ऐलान होना चाहिए था जिससे उनको तसल्ली मिलती। लेकिन उन्होंने एक बात तो जरूर कही, सात बातों में एक बात जरूर कही कि सब लोग ख्याल रखें, सब लोग जो ऐसे लोग हैं जो गरीब लोग हैं उनका ख्याल रखें, यहां तक तो ठीक है। लेकिन देश में ऐसे लोगों की तादाद अगर करोड़ों में है जिसमें से लाखों लोग करोड़ों लोग दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, बेंगलुरु से लेकर सूरत से लेकर बड़ौदा राजकोट अलग अलग जगह, तो उनके सामने सबसे बड़ा संकट है, उनको मोहल्ला पालेगा क्या, पाल रहा है क्या? अब मैं एक बात बता दूं कि मेरे पास भी बहुत सारे जगह ट्विटर के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए बहुत जगह से ऐसे मजदूरों के हस्तलिखित जो चिट्ठियां हैं, जो किसी ने मुख्यमंत्री को लिखी, किसी ने किसी अधिकारी को लिखी, किसी ने अपने राज्य के मुख्यमंत्री को लिखी कि हम यहां फंसे हैं, फोन नंबर्स के साथ ऐसे मजदूर ट्विटर पर या इधर उधर लोगों को व्हाट्सएप सर्कुलेशन में भेज रहे हैं। मेरा यह मानना है कि लॉकडाउन का पालन सही है, सोशल डिस्टेंसिंग सही है, देश की यह जरूरत है यह सही है, इसी से चेन टूटेगा यह सही है, लेकिन मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी को मजदूरों को संबोधित करना चाहिए 4-5-6 मिनट, और उस संबोधन में भरोसा होना चाहिए कि आपके लिए हम ये कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो कह रहे हैं वो उन तक पहुंचना चाहिए, चाहे राशि की शक्ल में, चाहे राशन की शक्ल में। मुझे लगता है अब भी देर नहीं हुई है, हम सकारात्मक अगर सोचें तो अब भी हम उम्मीद करेंगे कि एक बार राष्ट्र को संबोधन सिर्फ करें तो प्रधानमंत्री मोदी इन देश के 40-45 करोड़ उन लोगों के लिए करें जो दरअसल जिनकी रोजी रोटी छिन गई है, दरअसल जो 400-300 रुपए रोज कमाने वाले लोग आज बिल्कुल तंगी की हालत में है। ठीक है, सरकार ने कहा कि हम जनधन योजना के तहत 500 रुपए महिलाओं के खाते में भेजेंगे, सरकार ने कहा कि 3 महीने तक हम 5 किलो राशन फ्री देंगे, लेकिन ये उनके लिए नाकाफी है। अगर ये नाकाफी है तो हो क्या, ये सरकार को इस पर सोचना पड़ेगा। इसकी आशंका हमें है कि देखिए हम सब लोग कितना भी कहें कि हम पालन करेंगे, लेकिन जिनके जिन पर आफत गुजरती है, जो एक कमरे में 10x10 या 12x12 के कमरे में अगर 12 लोग बंद हो जाए, 14 लोग बंद हो जाए, जो कुछ वीडियो मैंने मुंबई का दिखाया था, तो उनका उनको फिर इससे मतलब नहीं होता है कि हमारे से देश को क्या प्रॉब्लम है, उनको तो अपनी समस्या दिखती है। हमको मानवीय आधार पर उनके बारे में सोचना पड़ेगा। हम जबरन अगर कहेंगे कि देशभक्ति में वो शामिल हो जाए, जो बहुत सारे लोग ट्रोल ब्रिगेड के लोग सोशल मीडिया पर कहने लगते हैं कि देश के लिए क्यों नहीं चुप होकर शांत होकर बैठ सकते, वो नहीं समझेंगे, मैं समझ जाऊंगा, वो नहीं समझेंगे। तो हमें एक हथियार से, एक दवा से सबका इलाज नहीं हो सकता, तो हमको उनको समझाना पड़ेगा। और एक बात और, ये जिम्मेदारी राज्य सरकारों की भी है। कैसे ये मुमकिन हुआ कि महाराष्ट्र में इतने हजारों मजदूर बांद्रा क्यों पहुंचे, क्यों नहीं राज्य सरकार को इसका अंदेशा था, उद्धव ठाकरे की सरकार को क्यों नहीं पता चला कि मजदूरों के सब्र का पैमाना छलक रहा है, क्यों मजदूर इतने ग्रुप में झुंड बनाकर स्टेशन पहुंचने में कामयाब हुए, क्यों उनके भीतर ये नाउम्मीदी है या थी कि उन्हें खाना नहीं मिल रहा है, उन्हें उनका केयर नहीं किया जा रहा है, या उनके लिए सरकार चिंतित नहीं है। ये राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है, ये प्रधानमंत्री मोदी की अकेले जिम्मेदारी नहीं है कि महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, बिहार में, यूपी में, हिमाचल में, राजस्थान में, हर जगह अगर लाखों करोड़ों मजदूर है या दिहाड़ी मजदूर है या गरीब कामगार है, हर आदमी को एड्रेस सिर्फ पीएम नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन देश के मुखिया होने के नाते उनसे जो उम्मीद है, क्योंकि राज्य सरकार फिर कहती है उनके पास फंड की कमी है, ये आरोप महाराष्ट्र सरकार ने भी लगाया, ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि उन्हें वो सारी चीजें नहीं मिल रही है, बहुत सरकारों ने पैसे अतिरिक्त फंड की मांग की है, अभी मुख्यमंत्रियों के साथ सम्मेलन में भी हुआ, जो प्रधानमंत्री की मीटिंग थी उसमें भी हुआ, वो बात उस बात पर भी गौर करने की जरूरत है, और मुख्यमंत्रियों की को भी जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। मैं कहूंगा कि ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने आज देश को संबोधित किया, उद्धव ठाकरे के बारे में खबर आ रही है कि रात 8 बजे महाराष्ट्र की जनता को संबोधित करने वाले, क्यों नहीं कल, परसों, तरसों, 3 दिन उनको क्यों नहीं पता है कि महाराष्ट्र में मजदूर ऐसे उनकी उनका जो आक्रोश उनके भीतर पैदा हो रहा है। अगर मैं दिल्ली में हूं, मुझे सोशल मीडिया के जरिए, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए या ट्विटर फेसबुक के जरिए अगर मुझे पता चल रहा है या 500 मजदूर की चिट्ठियां कहीं ना कहीं से सर्कुलेट होकर मेरे तक आ जा रही है, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को नहीं पता वहां क्या हो रहा है?
तो क्यों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने क्या किया इस बीते 6 दिन में, 5 दिन में, आज सुबह, कल रात? तो मुझे लगता है ये सबकी जिम्मेदारी। और एक बात, मेरे पास अभी राजकोट से, सूरत से और एक दो जगह से, गुजरात के कुछ शहरों से कुछ वीडियो आए। वो वीडियो लोग फेसबुक ट्विटर पर किसी ढंग से देखते हैं, कोई किसी को बताता है, किसी व्हाट्सएप ग्रुप में आता है और उसके बाद वो वीडियो आया। बेंगलुरु से कुछ लोग फोन कर रहे हैं और कुछ वीडियो बेंगलुरु से आ रहे हैं। हर जगह अलग अलग राज्यों में के वीडियो ऐसे आ रहे हैं। मुंबई का वीडियो हमने परसों ही यूट्यूब पे पोस्ट किया हुआ है, आप वो वीडियो देखिए कि एक जगह कैसे मजदूर कैद है। अब उन मजदूरों को 2 वक्त का खाना मिले, ये जिम्मेदारी मैं नहीं कहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी की है, माफ करें, ये जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, ये जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे की सरकार की है कि वहां कोई मजदूर भूखा न रहे और उसको 2 वक्त का खाना मिले। उसके लिए सामाजिक तौर पर क्या करने की जरूरत है, ये समाज की भी है, लेकिन जितने विधायक हैं, जितने पार्षद हैं, जितने मंत्री हैं, उनकी प्राथमिकता में है क्या? हर राज्य में कैसे हमने छोड़ दिया? अब क्यों इतने मजदूर इतने परेशान हो रहे हैं? और दूसरी बात कि कांग्रेस ने कहा है सोनिया गांधी की तरफ से, अभी मैं देख रहा था सूर्यवाला किस चैनल पर बोल रहे थे कि कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि 7,500 रुपए हर खातों में, जनधन खाते में, पेंशन के खाते में, किसान योजना में, सब में ट्रांसफर किए जाने चाहिए। अभी सरकार ने 500 रुपए देने का ऐलान किया। एक आंकड़ा भी कल ही मैं देख रहा था, सरकारी डेटा सुन रहा था, जो सचिव हैं, संयुक्त सचिव लव अग्रवाल, वो और उनके साथ जो 2 अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें एक आंकड़ा बताया गया कि कितने लोगों को हमने क्या क्या ट्रांसफर किया। एक मिनट वो मैं बताता हूँ, जो उन्होंने कहा कि हमने इतने फंड, इतने लोगों को पैसे ट्रांसफर कर दिए। लेकिन सवाल उठता है कि क्या वो काफ़ी है? क्या इतने लोगों को आपने कुछ पैसे दे दिए तो उससे काम चल जाएगा क्या? हाँ, लव अग्रवाल ने कहा था कि लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 30 करोड़ लोगों का की आर्थिक मदद की गई, जिसके लिए 28,256 करोड़ की राशि जारी हुई। खाता धारकों को, जनधन खाता धारकों को 9,303 करोड़ जनधन खाते में जमा हुए और पीएम किसान योजना के तहत किसानों के करीब 13,800 किसानों को 2,000 की किस्त किसानों को रिलीज हुई, जो एक योजना चली आ रही है। पहले सरकार की तरफ से 1,75,000 करोड़ की एक पैकेज जिसमें तमाम योजनाएं शामिल हैं उसका ऐलान हुआ। हालांकि उसमें कुछ उसके जोड़ घटाव को लेकर तमाम जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने कई तरह के उस पर कई तरह की आशंकाएं व्यक्त की। अब सवाल ये उठता है कि इन मजदूरों को कैसे टैकल किया जाए? हम कोई बड़ा हादसा या बड़ी चीज होने वाली है या कोई ऐसी अप्रिय घटना होने वाली है उसका आकलन करके उसका हम समाधान खोजें, बजाय इसके कि हम मुंह छिपा के बैठ जाएं और हम इस तरफ से ऐसे लगा ले कि उधर क्या हो रहा है, हमें कोई मतलब नहीं, हम खुश है और हमें देश का ये मध्यम वर्ग खुश है और सब लोग ताली बजा लिया, सब लोग शंख बजा लिया, सब लोग दिए भी जला लिए। मैंने तब भी सवाल उठाए थे, क्या ये मजदूर दिए जलाएंगे जिनको खाना नहीं मिल रहा है? और उसके बाद क्या हुआ कि बीजेपी आईटी सेल ने और कुछ पत्रकार भी उसमें शामिल हैं, कहीं झोपड़ी में एक महिला थी, वो उसने एक दिए जला रखे थे, एक दिया जला रखा था, उस महिला का फोटो डाल दिया और कहा, ऐसा प्रतीक हो गया कि देश में ये जो 50 करोड़ की ऐसी आबादी है जो 100-200 रुपए रोज पर गुजारा करती है, सब ऐसे ही दिए जला रही है। तो आप गलत प्रतीक को गलत ढंग से प्रचार करते हैं तो इसका मतलब सच से आंख छिपाते हैं, सच से पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। ये करेंगे तो देश को नुकसान होगा। अभी जरूरत इस बात की है कि मजदूरों का भरोसा जीता जाए, मजदूरों को यह भरोसा दिया जाए, बेरोजगार कामगार लोगों को, कि आपके साथ हम हैं, आपके साथ सरकार है। मैं नहीं कहूंगा कि कांग्रेस ने 7,500 कहे 7,500 ट्रांसफर किए जा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि बड़ी राशि है। अगर इतने करोड़ लोग हैं, एक आंकड़े के मुताबिक 44-45 करोड़ लोग हैं जो ऐसे असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, उनमें से ज्यादातर लोग बेरोजगार हो गए। 2 हफ्ते पहले का आंकड़ा था कि 12-13 करोड़ तो ऑलरेडी बेरोजगार हो चुके। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट है कि इस कोरोना में आने वाले समय में लगभग 40 करोड़ इस तरह के असंगठित क्षेत्र में दो और 20 करोड़ लोग जिनकी नौकरियां जाएगी, 60-70 करोड़ का आकलन है वो तब, जब अभी की स्थिति, जब स्थिति खराब होगी तो और बेरोजगारी होगी। अब सवाल सिर्फ ये है, हम कर क्या रहे, हम उनके लिए क्या कर रहे हैं?
हम सिर्फ अगर उनको देशभक्ति का जज्बा के भरोसे हम कहेंगे तो माफ करिए, भूखे पेट न भजन न होई गोपाला, अगर मैं शायद ठीक से याद कर रहा हूं, भूखे पेट भजन भी नहीं होता है। कोई भजन भी भगवान का नाम भी भूखे पेट नहीं लेता है। अब ये हर आदमी नवरात्र का 9 दिन का उपवास कर ले तो उपवास ज्यादातर खाए पिए लोग करते हैं, वो गरीब मजदूर जो उसके लिए हो सकता है महीने में 4 बार उपवास करने की नौबत हो तो वो ऐसे भूखे पेट भजन नहीं करेगा, इसके लिए समझना होगा। और मैं ये बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे माना जाए कि मैं देशहित में नहीं हूं, मुझे भी उतनी चिंता है, मैं लॉकडाउन का अक्षर से पालन कर रहा हूं, लेकिन बार बार आगाह कर रहा हूं, मैं चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी एक बार सिर्फ उन 40 करोड़ लोगों की आबादी को संबोधित करें और साथ में हर राज्य के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी हो कि उनके राज्य में अगर मजदूर भूखा रहता है, उनके राज्य में अगर मजदूरों को राहत नहीं मिलती है तो उस मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है। बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि 100 करोड़ की राहत राशि का ऐलान किया कि जो बिहार के मजदूर चाहे बिहार में हैं चाहे बाहर हैं उनके खाते में 1000-1000 रुपए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी ऐलान किया, शायद 29,000 करोड़ का डेटा था, ठीक से याद नहीं आ रहा, हालांकि वो रेडी पटरी खोमचे वाले के लिए था कि उनके खाते में 1000 रुपए जाएंगे या चले गए, लेकिन इसके बाद भी बहुत बड़ी आबादी छूट रही है। हमें समझना होगा, आज भी मैंने कम से कम 50 मजदूरों से बात की अलग अलग शहरों में, उसमें बेंगलुरु के मजदूर हैं, उसमें सूरत के मजदूर हैं, उसमें राजकोट के मजदूर हैं, लेकिन उनके उनमें से बहुतों के पास कोई खाता ही नहीं है, उनके पास न जनधन खाता है न कोई और खाता है, तो उनके पास पैसे कैसे जाएंगे, कौन उनका आकलन कर रहा है कि उनके पास पैसे कैसे जाएंगे या जा रहे हैं कि नहीं, तो ये बेचैनी भी होगी, बहुतों को लगेगा कि मेरे पास तो कुछ है नहीं, आएगा नहीं, चलो अपने घर चलो। ये सबसे बड़ा सवाल अभी भरोसा जीतने का है, बार बार मैं कह रहा हूं, नामुमकिन नहीं है लेकिन बहुत आसान नहीं है, इसलिए कि जिसका पेट खाली होता है उससे आप उम्मीद करेंगे कि 20 दिन ऐसे ही बैठ जाए चुपचाप, एक शाम खाना ना मिले तो भी, आर्थिक स्थिति तो रोज की कमाई गई तो गई, वो इसलिए बैठ जाए क्योंकि देश को खतरा है, तो मुश्किल होती है, मुश्किल होगी, क्योंकि उसको सिर्फ अपनी चिंता भी हो रही है। तो जब अपनी चिंता से पहले उसको निकालिए, उसके लिए क्या जरूरी है, आप हर जगह हर स्टेट में राज्य सरकारों के साथ सुबह शाम दोपहर, सुबह शाम दोपहर तीनों बार कोऑर्डिनेट करके उनके पास राहत और राशि, बार बार बोल रहा हूं, राहत और राशि, राहत और रकम दोनों पहुंचाने का इंतजाम हो। और सबसे बड़ी प्राथमिकता भी यही हो, कोविड से लड़ने के अलावा, कोरोना से लड़ने के अलावा, क्योंकि कोरोना से आप लड़ते रहेंगे लेकिन अगर ये बेकाबू हो गए और हर राज्य में बेकाबू हो गए और ये निकल पड़े सड़कों पर, आज मुंबई में निकल पड़े, कल बेंगलुरु में निकल जाए, सूरत में हमने देखा 3-4 दिन पहले कि सूरत में कैसे लोग निकले, वहां तो गुजरात में बीजेपी की सरकार है, सूरत में कितने बेकाबू हुए, आगजनी तक की नौबत हो गई। तो अगर ये बेकाबू होने लगे, अगर अनरेस्ट होने लगा, अगर आक्रोश इस हद तक होने लगा, तो आप सोचिए क्या होगा, फिर कैसे संभालेंगे, फिर क्या लाठीचार्ज करेंगे, लाठीचार्ज करेंगे तो क्या खामियाजा होगा, और एक जगह लाठीचार्ज होगा तो दूसरे शहर में क्या होगा, इन सब चीजों को समझ के संजीदगी से इसको एड्रेस करना होगा। इसलिए मैं प्रधानमंत्री मोदी से भी अपील करता हूं कि आप एक बार सिर्फ इन 40 करोड़ 45 करोड़ लोगों को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाइए, आप जो पीएम केयर फंड में पैसे आ रहे हैं उस फंड से इन मजदूरों के लिए भी सोचिए कि क्या हो सकता है। देश में इतने बड़े बड़े जो टॉप 100 मिलियनर हैं, बिलियनर एक्चुअली, उनसे फंड की दरकार है, उनसे लीजिए, उनसे अपील करिए कि वो पैसे दें और मजदूरों के बीच उनके राहत और राशि का उनके लिए इंतजाम हो। ये भरोसा जीतना होगा। और मैं फिर कहूंगा, मोदी प्रधानमंत्री मोदी चमत्कारिक व्यक्ति हैं, उनकी लोकप्रियता है, उन पर लोग भरोसा करते भी हैं, उनके कहे पर लोग अमल भी करते हैं, तो उनको ये कहना और बोलना और इसकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि वो यही बात बोले। एक दिन छोड़ दीजिए, एक एक एड्रेस सिर्फ उनके नाम से दीजिए कि एक संबोधन मजदूरों के नाम। मैं प्रधानमंत्री मोदी से अपील करता हूं कि उनका एक संबोधन सिर्फ मजदूरों के नाम हो, सिर्फ कामगारों के नाम हो, सिर्फ उन लोगों के नाम हो जिनकी रोजी रोटी छिनी है। और साथ में बार बार माफ करिए, कोई राज्य का मुख्यमंत्री, आदित्य ठाकरे का कुछ बयान आया है, मैं देख रहा था कि जिसमें उन्होंने कहा कि ये मजदूर सिर्फ खाना की वजह से नहीं जा रहे हैं, ये मजदूरों को खाना नहीं दे रही उद्धव ठाकरे सरकार, ये तो किसी और ने कहा है, विपक्ष ने, लेकिन उद्धव ठाकरे ने कहा है, हाँ, देवेंद्र फडणवीस का आरोप है राज्य सरकार पर कि मजदूरों के खाने के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है, खाना मजदूरों को नहीं दे रही है, बीजेपी काफी पहले से इंतजाम पर सवाल उठाती आई है। ठीक है,
ये फडणवीस साहब ने बहुत सही कहा, लेकिन सूरत में क्या हुआ? यहां से तो 3 दिन पहले सूरत में सड़क पर लोग आए, वहां कौन सी पार्टी की सरकार है? क्या वहां ठाकरे की सरकार है? क्या वहां विपक्ष सेना की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है? वहां तो आज रूपानी की सरकार है, उसके पहले जो आज प्रधानमंत्री हैं 15 साल वही मुख्यमंत्री रहे। तो इसलिए इस पर पॉलिटिक्स, और आदित्य ठाकरे का बयान है, उन्होंने केंद्र पर ठीकरा फोड़ दिया। उन्होंने कहा राज्य दूसरे राज्यों के मजदूरों के लिए ट्रेन चलाने की मांग की थी, 23 मई तक लॉकडाउन बढ़ गया, पीएम मोदी ने कहा अब लॉकडाउन में पहले से ज्यादा सख्ती होगी, इसलिए ये सब हो रहा है और मजदूर अपने राज्य लौटना चाहते हैं। तो अब यह राजनीति शुरू हो गई। उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे केंद्र को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस और बाकी नेता राज्य को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, और हालात मुश्किल में होंगे। मुझे लगता है इस पर राजनीति किसी को नहीं करनी चाहिए। और इसमें अच्छी पहल की थी पीएम ने कि सारे मुख्यमंत्रियों से बात की, हालांकि वो पहल लॉकडाउन से पहले भी होनी चाहिए थी, अगर की होगी तो वो जानते होंगे, पब्लिक डोमेन में उस तरह से उतना विमर्श की बात नहीं है। लेकिन इस पर राजनीति अगर करेंगे तो देश को नुकसान होगा, अगर उकसाएंगे तो देश को नुकसान होगा। ये सारे बयान उकसावे वाले बयान है, चाहे आदित्य ठाकरे के बयान हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस के बयान हो, ये उकसाने वाले बयान है। ये बयान अगर जो आज महाराष्ट्र में बीजेपी का नेता कहेगा कि वहां जो सेना की सरकार है उसने नहीं किया, फिर बीजेपी रूल्ड स्टेट में होगा तब क्या कहेंगे, कल को उत्तर प्रदेश में हो गया तब क्या कहेंगे, कल को बिहार में हो गया तो क्या कहेंगे? तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। अभी राजनीति मत करिए, दूसरों को जिम्मेदार मत ठहराइए, सोचिए कि ये कैसे होगा, फोन उठाइए, बात करिए। अभी खबर आ रही है ट्रेन शुरू होने की अफवाह फैली थी, देखिए ये खबर आ रही है कि मुंबई में अफवाह फैली कि ट्रेन शुरू हो रही है और स्टेशन पर लोग पहुंचे। ऐसी ही बात मैंने तब भी कही थी जब दिल्ली से अचानक लोग उमड़े थे और यूपी की तरफ जा रहे थे, तब भी ये बात आई थी कि अफवाह फैली अचानक कि वहां बसों का इंतजाम है। बसों का इंतजाम हुआ लेकिन अगले दिन हुआ, 1000 बसें चलाने की बात योगी ने कही, चली भी होगी, लोग गए यहां से, वो अगले दिन, पहले दिन अफवाह थी, वो जैसे भी थी अफवाह थी और लोग भागे। तो इस अफवाह तंत्र का खंडन कैसे होगा? अगर अफवाह फैली तो ये 5 मिनट में तो मजदूर बांद्रा स्टेशन पे नहीं आए, ये मजदूर कहां कहां से चले होंगे? लॉकडाउन है, हर जगह पुलिस वाले मौजूद हैं, हर नाके पर पुलिस वाले मौजूद हैं, कोई शरीफ आदमी को रोक के जमा तलाशी ली रही, पूछताछ की जा रही है, फिर मजदूर कैसे आ गए और वहां से दसियों किलोमीटर चल के कैसे आ गए, पैदल आए कैसे आए? तो ये महाराष्ट्र सरकार के सिस्टम का फेल्योर भी है, महाराष्ट्र पुलिस के सिस्टम का फेल्योर भी है। आज सिर्फ ये नहीं कह सकते अफवाह फैली, तो क्यों नहीं आदित्य ठाकरे और महाराष्ट्र के दर्जन भर मंत्री, कांग्रेस के मंत्री नेता लाउड स्पीकर से रोड पर निकले कि आप लोग अपनी अपनी जहां है वहीं लौटिए, हम इंतजाम कर रहे हैं, और इंतजाम की गारंटी लेते। माफ करिए, सब राजनीति करने में अब जुटे हैं, ये वक्त राजनीति का नहीं है, ये वक्त देश को सहेजने का है, और उससे ज्यादा ये वक्त मजदूरों को सहेजने का है, ये वक्त गरीबों को सहेजने का है, ये वक्त उन लोगों को सहेजने का है जिन्हें चिंता है कि अब क्या होगा मेरे साथ। मैंने आज, जैसे मैं बता रहा हूं, आज मैंने राजकोट में बात की कुछ मजदूरों से। अब उन मजदूरों का कहना है कि हम 400 रुपये रोज पर काम करते हैं, कुछ वीडियो भी भेजे हैं मुझे मजदूरों ने, लेकिन अभी चूंकि जल्दी में लाइव आना पड़ा। हाँ देखिए, अब खबर आ रही है सूरत में सैकड़ों मजदूर रोड पर निकले। अब ये क्या क्या है? अभी देवेंद्र फडणवीस कह रहे थे कि महाराष्ट्र में सूरत में अब किसकी सरकार है, गुजरात में सूरत है, बीजेपी की सरकार है। अब देवेंद्र फडणवीस क्या कहेंगे, क्यों निकले सूरत में लोग? तो फिर मैं कह रहा हूं कि ये इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। सूरत में सैकड़ों मजदूर खाना न मिलने की शिकायत की, अब देखिए खाना न मिलने की शिकायत की, वराछा इलाके में जुटे लोग। यही मैं कह रहा हूं कि मजदूरों को खाना नहीं मिल रहा है, एक शाम मिल रहा है, या उनको लाइन में लग के कहीं कि एक शाम खिचड़ी दोपहर में मिल रही है, ऐसी हालत क्यों है? ये मैं ये भी मानूंगा कि इसमें समाज की जिम्मेदारी, आसपास के मोहल्ले के लोगों की जिम्मेदारी सबकी है। हम राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, हम मोदी जी के प्रति समर्पण की बात करते हुए देश को चाहते हैं, सब एक तरह से सोचे, लेकिन आपके मोहल्ले में 10 मजदूर बगल के 100 मीटर पे होगा, आप उसके लिए 10 लोगों के लिए खाना नहीं पहुंचा सकते। आप सिर्फ ज्ञान देंगे कि बस देश सोचे और मजदूर घर में रहे, अंदर ही रहे, बाहर क्यों निकल रहा है, देश के खिलाफ है। तो करिए, मुझे आज आक्रोश है इस बात पर, क्योंकि मुझे इसकी आशंका थी, जिनको नहीं थी अफसोस है कि उन्हें समझ क्यों नहीं थी, मुझे पहले दिन से थी, और मैंने पहले दिन भी लिखा,
हालांकि 5-6 दिन 8 दिन से मैंने इस पर लिखा नहीं कुछ, 10 दिन से मुझे लग रहा था कि अगर आप रोकेंगे, अगर देख लीजिए तस्वीरें आने लगी, खाना न मिलने पर हंगामा, ये वीडियो अभी मैं देख रहा हूं सामने एक चैनल पे आ रहा है। तो मैं आप लोगों से सबसे अपील करूंगा, आप सब जिम्मेदारी निभाइए, जो जहां है जिस मजदूर की मदद कर सकता है करें, लेकिन मजदूरों को खाना के अलावा भी कुछ चाहिए, वो रकम है, उसके लिए सरकारों को सोचना पड़ेगा। राज्य सरकार के वश में क्या है, उनके उनके खाते में खजाने में क्या है वो सोचे, और केंद्र सरकार जितना खजाना खोल सकती है वो करे। 500 रुपए नाकाफी है जनधन में, और उससे बड़ी बात कि वो उन्हीं लोगों को मिल रहा है, उन्हीं महिलाओं को जिनके पास जनधन अकाउंट है, जनधन का खाता है। कम से कम 200 लोगों से मैंने बात की है, दिल्ली से जाने वालों की के से भी और बाहर भी, जिनके पास जनधन खाता नहीं है तो उनके पास तो पैसा पहुंचेगा नहीं। तो ये सारे सवाल हैं, मैं कुछ सवाल आप लोगों से लूंगा। अब ये चिंताजनक है, और ये बहुत चिंताजनक है, और मैं मतलब चूंकि इससे कोरोना का भी खतरा है, इससे संक्रमण का खतरा है। अब मजदूर जिस तरह से निकल रहे हैं मुंबई से, अगर ऐसे कहीं पैदल चले गए, कहीं दूर निकल गए, कैसे रोकेंगे, लाठी चार्ज करेंगे, बल प्रयोग करेंगे, सूरत में क्यों निकल रहे, ये बहुत चिंता की स्थिति है। मुझे लगता है अब पहली प्रार्थना, अब मैं तो अपील करूंगा, अगर मुमकिन है प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र को संबोधित करें रात में 9 बजे, और देश में ऐसी स्थिति आज सूरत में हुई। हाँ, अभी खबर आ रही है कि अमित शाह ने उद्धव ठाकरे को फोन किया, अच्छी बात है। अमित शाह 370 और बाकी चीजों पर मुखर थे, CAA और CAB पर, और इसके बाद अमित शाह को अभी हमने कभी सुना नहीं पिछले 25 दिनों से, 21 दिन का लॉकडाउन और उसके पहले जनता कर्फ्यू। आज खबर अभी आई कि अमित शाह ने ठाकरे को फोन किया, अच्छी बात है, फोन करना चाहिए, और सब मिलकर तय करें कि ये मजदूर सड़क पर ना निकले, इसके लिए हमें क्या इंतजाम करने हैं।